तो अगर आपको ये करना है तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है, बट अगर आपको ये करना है वो भी इंडिया में, तो चाहे आप रोड राइड्स पसंद करते हो या फिर आपको बचपन से रेसिंग का पैशन है, चाहे आप वैलेंटिनो रॉसी के फैन हो, चाहे आप मार्क मार्केज़ के फैन हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिया में प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज योर होस्ट अभिमन्यु एंड यू आर वॉचिंग हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर इन इंडिया विदाउट अ फेड। इंडिया में मोटरसाइकिल रेसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको तीन इजी स्टेप्स पूरे करने होंगे, जिसमें पहला स्टेप है ट्रेनिंग एकेडमीज। ट्रेनिंग एकेडमीज, जिसको कि रेसिंग या राइडिंग एकेडमी भी बोल देते हैं, एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन की तरह वो नहीं होता है, वो सिर्फ एक दो या तीन दिन का सेशन होता है जिसमें आपको सब कुछ बताया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस, ट्रैक पे राइड करने के तरीके, थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल के बारे में भी फिजिक्स बताई जाती है, कैसे मोटरसाइकिल बिहेव करती है रोड पे। उसके बाद आपको ट्रैक पे ले जाया जाता है सीधा क्लासरूम सेशन से, ताकि जो आपने सीखा है उसकी आपको ड्रिल कराई जाए और आप वो चीज़ें सीख सको, ताकि आप खुद भी सेफली और अच्छे से राइड कर पाओ और बाकी राइडर्स के लिए भी डेंजर ना पैदा करो। अब ट्रेनिंग अकेडमीज के सेशन सिर्फ और सिर्फ रेस ट्रैक्स पे होते हैं, वो ऐसे कोई बिल्डिंग नहीं होती जहाँ आपको जाना है कि वहाँ पे जाके आपको सेशन मिलेगा। ऑफकोर्स आपको ट्रैक पे ड्रिल्स करनी है तो आपको रेस ट्रैक पे जाना होगा। इंडिया में तीन ही मेन ट्रैक्स हैं, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में, करी मोटर स्पीडवे कोयम्बटोर में, और मद्रास मोटर रेस ट्रैक चेन्नई में। इन तीनों में से किसी भी ट्रैक पे एकेडमी हो सकती है। एक्सपेंसेस की बात की जाए तो ट्रेनिंग एकेडमीज 15,000 से लेके 60,000 तक भी चार्ज करती हैं अपने 2 से 3 दिन वाले सेशन के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हो। तो एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि अगर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे कोई एकेडमी होगी तो वो सबसे ज़्यादा चार्ज करेगी, क्योंकि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट वाले लोग एकेडमी से ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो सबसे महंगा सर्किट है, तो एकेडमी वाले जाहिर सी बात है आपसे भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। और करी मोटर स्पीडवे पे जो एकेडमी होगी वो सबसे सस्ती पड़ेगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है कि एक्सपेंसेस टोटली कितने लगते हैं रेसिंग करने के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं जो बताऊंगा एक्सपेंसेस या खर्चों के बारे में वो आपको मिल जाए और आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में इंडिया में प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग में कितना खर्चा लग सकता है। अब एक बात जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ट्रेनिंग अकेडमीज बहुत सारी खुल जाती हैं, बट आपको ध्यान ये देना है कि आप जिस अकेडमी में जाओ वो रेसिंग फेडरेशन से एक्रेडिटेड हो। फेडरेशन कौन है इंडिया में? FMSCI, फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया। ये फेडरेशन आप इजीली समझ सकते हो कि BCCI जैसे क्रिकेट के लिए है, ऐसी रेसिंग के लिए FMSCI है इंडिया में। तो उनकी वेबसाइट पे जाना है आपको, fmsci.co.in, वहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमीज में टू व्हीलर रेसिंग में आप अगर जाओगे तो उस पेज पे आपको सभी ट्रेनिंग अकेडमीज मिल जाएंगी जो FMSCI से एक्रेडिटेड है। तो आपको उन्हीं से ट्रेनिंग सेशन लेना है, वरना आप रेस नहीं कर पाओगे। प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसर बनने के लिए आपको जो सेकंड स्टेप करना है, इजी सा स्टेप, वो है रेसिंग लाइसेंस अप्लाई करना है। तो रेसिंग लाइसेंस जो है वो एक आपको जो RTO से मिलता है 18 साल का होने के बाद, वो लाइसेंस नहीं है। अगर आपके पास वो लाइसेंस है फिर भी आपको रेसिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। और रेसिंग लाइसेंस कौन देगा? सही गेस किया आपने, FMSCI, तो फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया ही वो लाइसेंस देगा। आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है fmsci.co.in, वहाँ पे एंट्री फॉर्म्स होंगे, उसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा कॉम्पिटिशन लाइसेंस, उसमें आपको जाना है। उसके बाद पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा, सारा फॉर्म ऑनलाइन है, कुछ भी आपको ऑफलाइन नहीं सेंड करना है। सिर्फ 2 या 3 चीज़ें आपको उसमें ध्यान देनी है। सबसे पहली ये कि उसमें एक मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म होगा, वो मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म आपको अपने किसी भी आसपास के या किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर से आपको फिल कराना है। वो ये बताएगा कि आपकी आंखें, हाथ पैर वगैरह सब सही से काम करते हैं, और आपको ट्रैक पे अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आपको मेडिकेशन किस हिसाब से दिया जाए, तो वो आपका सब कुछ डिटेल लेगा। बहुत इजी सा फॉर्म है, वो आपको अपलोड करना है अपने फॉर्म में। साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट मिला है आपको रेसिंग एकेडमी से या राइडिंग एकेडमी से, वो आपको अपलोड करना है। तो ये ध्यान रखें कि सेकंड स्टेप हमेशा फर्स्ट स्टेप के बाद ही आएगा, जब आपको वो सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, उसके बिना आपको रेसिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो रेसिंग लाइसेंस के लिए आपको यही 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। उसके अलावा जो फॉर्म है वो बहुत ही ईजी फॉर्म है, आप कोई भी जो अपना कॉलेज का फॉर्म या कोई भी फॉर्म फिल करते हो वैसा ही फॉर्म है।
पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकती है। उस पेमेंट के बाद आपको एक नंबर मिलेगा जब FMSCI आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेगा, वो नंबर हो सकता है 2FR, ऐसे एक 6 या 7 डिजिट का नंबर होगा। वो नंबर अगर आपके पोर्टल पे आ गया तो समझ लो आपको लाइसेंस मिल चुका है, बट फिजिकल लाइसेंस आपके एड्रेस पे, परमानेंट एड्रेस पे 10 दिन बाद आ सकता है। लेकिन अगर आप चैंपियनशिप फॉर्म अप्लाई करने के लिए लेट हो रहे हो तो आप उस नंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपको फिजिकल लाइसेंस होने की वेट नहीं करनी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आप जब रेस ट्रैक पे रेस करने जाते हो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है तब आपको वो फिजिकल लाइसेंस अपने साथ जरूर रखना है, कभी भी चेक हो सकता है, वो जनरली चेक नहीं होता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा साथ रखना उसको। ध्यान देने वाली बात ये है कि रेसिंग लाइसेंस जो होता है वो हर साल के एंड में एक्सपायर हो जाता है। अगर आपने 30 दिसंबर को भी रेसिंग लाइसेंस लिया FMSCI से तो वो अगले ही दिन 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जनवरी फरवरी में ही लेके रख लो, ताकि आपको लेट हो चैंपियनशिप फॉर्म के लिए तो दिक्कत भी ना हो, और वैसे भी एक्सपायर तो 31 दिसंबर को ही होना है, तो अच्छा है आपके पहले ही लेके रख लो। अब इंडिया में रेसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको जो तीसरा स्टेप है वो है फॉर्म्स अप्लाई करने का। यानी कि आप तैयार हो, आपको सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, आपको सभी फ्लैग्स के बारे में पता है ट्रैक के, आपको रेसिंग लाइसेंस भी मिल चुका है, बट अब क्या करोगे? अब आपको फॉर्म में अप्लाई करना है तभी आपको रेस में एंट्री मिल पाएगी। वो फॉर्म आपको भेजना है MMSC को, MMSC मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब। MMSC वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो इंडिया में सभी टू व्हीलर रेसिंग कराती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ आए, सिर्फ एक या दो चीज़ें ऐसी हैं। सबसे पहली ये कि आपको एक हाई रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। वो हाई रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी आप किसी भी कंपनी से ले सकते हो, वो आपको रिस्क कैटेगरी 3 की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की। कितना उसका प्रीमियम होना चाहिए ये आपके रूल्स में लिखा होगा एंट्री फॉर्म में, वो ध्यान रखना है। बहुत ही ईजी है, कॉम्प्लिकेटेड से सुनने में लग रहा है, किसी भी कंपनी से आप जाके ले सकते हो। वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर आपको मिलेगा वो आपको फॉर्म में मेंशन करना है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने कही एंट्री फॉर्म में वो ये है कि किस चैंपियनशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चैंपियनशिप और बहुत सारी उनमें कैटेगरीज है फर्दर, तो आपको ये देखना है कि आप किस चैंपियनशिप या कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो। तो ये समझने के लिए आपको छोटा सा रूल बता देता हूँ मैं कि अगर आप 23 या उससे कम एज के हो तो आपको सिर्फ नोवाइस कैटेगरी में रेस करने दिया जाएगा, और अगर आप 24 या उससे अबव हो तो आप ओपन कैटेगरी में रेस कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा रूल है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में जानना है कि चैंपियनशिप्स कौन कौन सी होती हैं इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी चैंपियनशिप्स बहुत कम पैसे में आपको रेस करने दे देती हैं और बहुत सारी चैंपियनशिप्स में आपको बहुत सारा लाखों रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं, तो उनके सबके बारे में जानने के लिए और आप किसके लिए एलिजिबल हो ये जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियोस में ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो एंट्री फॉर्म आपको ऑनलाइन सेंड करना है MMSC को, MMSC की ईमेल पे, ईमेल भी उनकी वेबसाइट पे लिखी होगी madrasmotorsports.in, इसके ऊपर जाके आप ईमेल चेक कर सकते हो, फॉर्म भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हो और सप्लीमेंट्री रेगुलेशंस भी पढ़ सकते हो जिसमें सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे उस चैंपियनशिप के जिसमें आप जा रहे हो, तो वो ज़रूर पढ़ लेना। और साथ ही आपको अपनी एंट्री फीस भी भेजनी पड़ेगी MMSC को, वो कितनी है वो भी SR में ही लिखा होगा, SR यानी कि सप्लीमेंट्री रेगुलेशंस, उसमें आपको साथ के साथ फीस भेजनी है और वो फीस की रिसीप्ट आपको अपने ईमेल में फॉर्म के साथ भेजनी है। तो फॉर्म सेंड करने के बाद आपका काम बचता है सिर्फ और सिर्फ रेस की तैयारी करना। इन केस अगर आपका फॉर्म आपने बहुत लेट भेजा है तो हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करें क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज होती है रेस ट्रैक पे, बट फिर भी होपफुली अगर आपने टाइम से अप्लाई किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनके कंफर्मेशन का वेट करना है और घर पे अपने सूट बूट और रेसिंग के लिए जो हेलमेट और गियर्स जो भी हैं वो अपने तैयार करने हैं और अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना है, वही आपका काम बचता है। उसके अलावा कोई भी आपका काम नहीं बचता है। ये तीनों स्टेप में आप इंडिया में प्रोफेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग कर सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी वेबसाइट www.autofed.in पे कुछ प्लान्स हैं। प्लान्स 1500 से स्टार्ट होते हैं सिर्फ, और काफ़ी इकोनॉमिकल प्लान्स हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मन में जाग रहे होंगे या बहुत सारे आपके डाउट्स जो होंगे वो अगर आपको पर्सनलाइज कोचिंग या आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके बारे में तो वो आप प्लान्स सब्सक्राइब कर सकते हो, काफ़ी इकोनॉमिकल प्लान्स हैं अगर आपको सूट करते हैं। अगर आपकी जनरल क्वेरीज हैं तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हैशटैग डालना है आपको AutoFed Q&A, उसके साथ अपने क्वेश्चंस या अपने कमेंट्स जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना जाने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अगर किसी को रेसिंग करियर स्टार्ट करना हो अपना इंडिया में तो वो इस वीडियो से हेल्प ले सके। That is it for this video. This is your host Abhimanyu and I'll see you guys next time. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me. If
if I could slow it down, cause it's coming too fast for me.